जय हिंद स्टूडेंट्स, वेदा केरी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं, तो कल हम लोगों ने अम्लीय मृदा भी पढ़ ली थी, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, अलग अलग प्रकार की जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती है उनको हम लोगों ने देख लिया था, साथ ही साथ जो पीएच होता है इसको भी हमने देखा था। अब हम बात करते हैं अलग अलग पदार्थों में पाया जाने वाला जो कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है, कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो कार्बन की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो अनुपात क्यों निकाला जाता है, इसको क्यों ज्ञात करते हैं, ठीक है, और इसका क्या महत्व होता है, और साथ ही साथ अलग अलग पदार्थों के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो होता है उसको हम बोलते हैं CN रेशो। किस नाम से जानते हैं इसको हम? इसको हम जानते हैं CN रेशो के नाम से, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात, ठीक है। तो ये कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है इसको हम बोलते हैं CN रेशो। क्या बोलते हैं? CN रेशो। C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन। अब आपका अगर देखें तो यह CN रेशो क्यों निकाला जाता है, तो चाहे मृदा हो या अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं, चाहे हम भी हैं, यह मिट्टी है या कार्बनिक पदार्थ है, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पशु हैं, सभी के अंदर एक निश्चित मात्रा में कार्बन होता है और एक निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हम खेती में उपयोग करते हैं गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार साथ ही साथ मृदा के लिए बहुत सारे ऐसे जो लाभदायक सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो ये क्या करेंगे भैया, इससे पौधों को मिलेगा नाइट्रोजन। और यही कारण है कि हमको कौन सी खाद डालना है, किसमें नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगा, ये दर्शाने का काम करता है उस पदार्थ में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा। तो सीधी सी बात अगर हम करें, अ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो इज अ रेशो ऑफ द मास ऑफ कार्बन टू द मास ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक रेसिड्यूज। मतलब किसी भी कार्बनिक अवशेष पदार्थ में, किसी भी कार्बनिक अवशेष पदार्थ में कार्बन और नाइट्रोजन का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसी को दर्शाने के लिए हम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का उपयोग करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना भैया, अगर किसी भी कार्बनिक पदार्थ में या कार्बनिक अवशेष में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात जितना कम रहेगा, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जितना कम रहेगा, मतलब ये रेशो जितना नैरो रहेगा, नैरो मतलब पास पास, जैसे मैं अगर बोल दूं कि भैया ए ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशो है 10:1, और दूसरा बी जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशो है 30:1। अब इसका मतलब अगर हम इन दोनों में देखें तो ये जो 10:1 वाला जो रेशो है, ठीक है, और जो 30:1 वाला जो रेशो है, किसका रेशो? कार्बन नाइट्रोजन का। तो इसमें 10:1 वाले रेशो में कार्बन कितना भाग है? कार्बन 10 भाग है और नाइट्रोजन कितना है? 1 भाग। मतलब 1 भाग नाइट्रोजन पे 10 भाग कार्बन है, मौजूद है ये। मतलब अगर 10 ग्राम क्या है? कार्बन है, तो 1 ग्राम उसमें क्या रहेगा? नाइट्रोजन। और ऐसे ही अगर हम दूसरा बी वाला जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, इसमें अगर हम देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो कितना है? 30:1। मतलब इसमें 30 भाग कार्बन पर केवल 1 भाग क्या है? नाइट्रोजन है। मतलब 30 ग्राम कार्बन अगर है तब जाके उसमें 1 ग्राम नाइट्रोजन मौजूद होगा। तो हमको नाइट्रोजन ज़्यादा किसमें मिल रहा है? ज़्यादा हमको मिल रहा है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो है वो नैरो है, संकीर्ण है, ठीक है। तो जितना पास पास का कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात रहेगा, जितना छोटा रहेगा, उतनी ही उस पदार्थ में नाइट्रोजन की उपलब्धता ज़्यादा होगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये क्यों निकाला जाता है? ताकि हम ये पता कर पाएं कि किस पदार्थ के टोटल मास या टोटल भार में कार्बन के सापेक्ष नाइट्रोजन कितनी मात्रा में मौजूद है।
ठीक है, तो इसीलिए हम निकालते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, ताकि ये अनुपात हमको ये बताता है कि उस पदार्थ में जो नाइट्रोजन है उसकी उपलब्धता कितनी है। तो नाइट्रोजन को मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम सीएन रेशो देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक जो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य मृदा या जो कॉमन सॉइल होती है। कॉमन सॉइल मतलब एक सामान्य मृदा बोल दो आप, कोई सी भी शुष्क मृदा है, सूखी मृदा है, उस मृदा के अंदर अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन का अगर एनालिसिस करें तो वो आपका मिलता है 10:1। कितना होता है? 10:1, मतलब 10 भाग मृदा में कार्बन होता है और एक भाग क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सीधा एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि जैसे आपको बोल दिया कि भैया सामान्य मृदा में 10 ग्राम कार्बन है, तो नाइट्रोजन आपको पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 होता है। अगर 10 भाग कार्बन है तो एक भाग नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है, सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य मृदा में कभी कभी आपको ये 10:12:1 भी बोल देता है। तो अगर 10:1 नहीं आए और रेंज में आंसर आए तो ऐसी कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर 10:12:1 होगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते उन कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से गहरे भूरे से काले रंग का एक पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। अब कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? तो ये पेड़ पौधों के अवशेष भी हो सकते हैं और जो जीव जंतु होते हैं, जंतु वर्ग होता है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े XYZ, इनके सड़ने से या इनका जो अपशिष्ट पदार्थ है इनके सड़ने से जो कंप्लीट डिकम्पोज्ड या पूर्ण रूप से विच्छेदित जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस में भी कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात लगभग 10:1 ही होता है। तो सामान्य मृदा बोल दे, ह्यूमस बोल दे। वैसे अगर हम बात करें तो जनरली अधिकतर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है वो 10:1 ही देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। फिर आता है सूक्ष्म जीव, जिसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स में जितने भी आप जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कवक हो, चाहे आपका निमेटोड्स हो, चाहे एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई हो, XYZ कोई सा भी माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव। ठीक है, वैसे मृदा के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं ये सभी के सभी क्या है? प्लांट किंगडम के सदस्य होते हैं, मतलब पादप जगत के ये सदस्य होते हैं। ये निम्न वर्ग के क्या होते हैं? पौधे होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? जंतु थोड़ी है। बैक्टीरिया एक निम्न वर्ग का पादप है। ठीक है, जिसमें आप अगर देखो तो जड़ें शाखाएं पत्तियां ये कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें शैवाल है, ऐसे ही कवक है, ऐसे ही एक्टिनोमाइसिटीज फंजाई है। ठीक है, ऐसे ही प्रोटोजोआ है, ऐसे ही निमेटोड्स हैं। ये सब क्या है? ये सब लोअर कैटेगरी के क्या होते हैं? पादप होते हैं और इनको पादप जगत में ही रखा जाता है। तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं हम इनको बोल सकते हैं सॉइल माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कार्बन 4:9 तक हो सकता है और नाइट्रोजन जो रहेगा वो 1 रहेगा। लेकिन कभी कभी रेंज में देखे ये सीधा अगर फिक्स आपको आंसर दे दे तो माइक्रोब्स में जो सीएन रेशो होता है वो 8:1 होता है या 8:1 होता है। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जिसको हम एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, मतलब पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो किसी स्थान पर जमा की जाती है, उस जमा की गई मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मृदा या एल्यूवियल सॉइल। तो ये एल्यूवियल सॉइल जो होती है इसका जो सीएन रेशो होता है 9:14:1
होता है, ये भी लगभग वही 10:1 में ही आएगा। फिर काली मृदा, ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल का सी एन रेशो थोड़ा सा जो है इसमें कार्बन ज़्यादा होता है, 9.2 to 14.8 H2O1 इसका रेशो होता है। फिर लेटराइट मृदा जो अत्यधिक लीचिंग होने से बनती है, भैया ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर लीचिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, और लीचिंग ज़्यादा होने से जो भी क्ले के कण होते हैं, साथ ही साथ जो भी कार्बनिक पदार्थ मतलब ह्यूमस के कण होते हैं, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं, वो सब पानी में बहकर नीचे चले जाते हैं और मृदा में केवल बच जाता है सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स, ये केवल बच जाता है, जिसके कारण मृदा कैसी हो जाती, एकदम ईट जैसी लाल हो जाती है, कठोर हो जाती है, ठोस हो जाती है, और इसी को कहा जाता है लेटराइट मृदा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये लेटराइट मृदा में सी एन रेशो 8.5 से 13.9 भाग कार्बन और एक भाग जो है वो नाइट्रोजन होता है। ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें, कार्बनिक मृदा, तो कार्बनिक मृदा में जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो जनरली होता है 24:1, और अगर ये आंसर नहीं दे तो ऐसी कंडीशन में आपका फिर 24 से बड़ा वाला जो भी वैल्यू रहेगा जनरली वो 30:1 आपको देगा। ठीक है, तो या तो 24:1, और कुछ किताबों में ये 30:1 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही ध्यान रखना। अगर जैसे 20:1 और 30:1 आ जाए तो आपका करेक्ट आंसर 30:1, अगर 25:1 आ जाए तो फिर वो करेक्ट रहेगा, लेकिन अगर एक्यूरेट 24:1 दे तो फिर आपका 24:1 वाला आंसर ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये कार्बनिक मृदा में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं गोबर की खाद, जो गोबर की खाद होती है जिसको हम फार्म यार्ड मैन्यूअर कहते हैं, आपने देखा होगा पशुपालन करते हैं तो पशुओं से जो भी गोबर मल मूत्र जो भी निकलता है उसको गड्ढे में भरकर जो है एक खाद तैयार की जाती है आपके फार्म पर, उसी को फार्म यार्ड मैन्यूअर कहा जाता है, और इसमें सी एन रेशो होता है 40:1, 40:1 होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट मतलब जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के जो अवशेष है, घरेलू जो कचरा है, नालियों की जो गाद है, इन सभी को मिलाकर पूर्ण रूप से सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है वो कंपोस्ट होती है। ये दो प्रकार की होती है, शहरी कंपोस्ट, ग्रामीण कंपोस्ट। तो कंपोस्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है 30:1। ऐसे ही अगर हम दलहन फसलों की बात करें, दलहन फसल मतलब पल्सेस क्रॉप के जितने भी अवशेष मिलते हैं, चाहे वो तना, शाखाएं, पत्तियां, जो भी कचरा निकलता है दलहनी फसलों का, उन सभी के अंदर जो सी एन रेशो होता है 20:1। और ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट की अगर बात करें, केचुआ खाद की, तो इसमें सी एन रेशो होता है 25:30:1, और अगर जैसे 20:1 दे दिया, 25:1 दे दिया, 30:1 दे दिया, तो फिर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 30:1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें लकड़ी का बुरादा, जिसको सार्डस्ट कहा जाता है, सार्डस्ट या लकड़ी का बुरादा, तो सार्डस्ट या लकड़ी का बुरादा, इसमें जो आपका सी एन रेशो होता है, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है भैया, और नाइट्रोजन बहुत कम होता है, मतलब 300 से 400 भाग कार्बन होता है और एक भाग इसमें नाइट्रोजन होता है। कभी कभी इसको जो है वो फिक्स बोल देता है 325:1। ठीक है, आप बोलोगे सर ये सार्डस्ट क्या होता है लकड़ी का बुरादा, तो आपने देखा होगा जहाँ पर लकड़ियों की कटिंग होती है, मतलब जहाँ पर फर्नीचर तैयार होता है, वहाँ पर आरी से जब लकड़ियों को काटा जाता है तो बहुत सारा डस्ट निकलता है, और इस डस्ट का उपयोग जो है हम किस में कर सकते हैं, हम खेत में इसको डालने के लिए कर सकते हैं, ये भी कार्बन का अच्छा स्रोत होता है, बट इसमें नाइट्रोजन कम होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो ये था हमारा सी एन अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अब हम बात करते हैं जो मृदा में बनने वाले क्षेत्र, मृदा में आप जब भी खेत में कोई फसल की बुआई करते हो, जुताई करते हो, तो मृदा में सामान्य रूप से दो क्षेत्र बनते हैं,
दो क्षेत्र कौन से बनते हैं, तो अलग अलग फसल के अंदर आपको अलग अलग ये देखने को मिलेगा। तो कैसे बनते हैं, तो जैसे हमने जुताई की, प्लोइंग की, या फिर हम बोल सकते हैं जो मृदा सूखी है, सूखी मृदा मतलब ऐसी मृदा जो बिल्कुल सूखी होती है, ठीक है, जिसमें पानी नहीं भरा है, मतलब गीली मिट्टी और सूखी मिट्टी इतना तो पहचान सकते हो। तो जो शुष्क क्षेत्र होते हैं या जहाँ पर बारिश कम होती है या जो जिस मिट्टी में पानी की मात्रा कम होती है, जल भराव की समस्या नहीं होती है, वहाँ पर अगर हम देखें तो जुताई करने से या प्लोइंग करने से क्या बनता है, एक क्षेत्र बनता है। क्षेत्र बनता है मतलब एक जोन डेवलप होता है जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है, ठीक है। तो ऐसा क्षेत्र जब हम जुताई करते हैं तो हम देखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, मान लो इस ऊपर वाली मिट्टी में ऑक्सीजन क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने के कारण इस क्षेत्र में होने वाली जो क्रियाएं रहेगी वो ऑक्सीडेशन क्रियाएं होगी। कौन सी क्रियाएं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्रियाएं होने के कारण ही हम इस जोन को क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन जोन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन जोन कहेंगे, ठीक है, इतना क्लियर रखना। तो ऑक्सीडेशन जोन कहाँ विकसित होता है, जहाँ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, उसी क्षेत्र को कहा जाता है ऑक्सीडेशन जोन। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण वहाँ पर अपचयन की क्रियाएँ शुरू हो जाती है, या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की अधिकता होती है, तो रंध्रों में पानी अधिक होने से रंध्रों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और यहाँ पर जो क्षेत्र विकसित होता है इसको कहा जाता है रिड्यूस्ड जोन, जो कि ऑक्सीडेशन जोन के जस्ट नीचे होता है, रिडक्शन जोन, ठीक है। तो ये दोनों जोन सा आपको याद रखना है। धान के खेत में आप देखोगे तो हम कीचड़ बनाते हैं, तो कीचड़ बनाने से क्या होगा भैया, रिड्यूस्ड जोन डेवलप होता है। सामान्य खेत में आपके ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड दोनों के दोनों जोन सा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकृत क्षेत्र, एक तो ये क्षेत्र डेवलप होता है जब मृदा में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है, जो उचित वायु संचार वाली मृदा में ये ऑक्सीकृत जोन विकसित होता है। और इसकी मोटाई अगर हम देखें तो ये एक से लगा के 10 मिलीमीटर तक हो सकता है, मतलब कितना गहरा हो सकता है ये, एक से 10 मिलीमीटर, हम इसको बोल सकते हैं लगभग 1 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर का जो 1 सेंटीमीटर का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, वो रिड्यूस्ड जोन है। यहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगी और किसी भी प्रकार की कोई रिडक्शन क्रिया या अपचयन की क्रिया नहीं होगी, इसको आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें तो रिड्यूस्ड जोन में ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, और ऑक्सीडेशन की क्रिया होने से रिड्यूस्ड जोन में जो आपका नाइट्रोजन जो उपलब्ध रहेगा वो कौन से रूप में रहेगा, वो रहेगा नाइट्रेट के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट बनेगा, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की उपलब्धता रहेगी वो नाइट्रेट के फॉर्म में रहेगी, और नाइट्रेट के फॉर्म में होने के कारण इसका इजीली क्या हो जाएगा, वोलेटेलाइजेशन हो जाएगा। वोलेटेलाइजेशन मतलब ये आसानी से अमोनिया के रूप में उड़ सकती है। दूसरा, जब पानी आप सिंचाई दोगे या फिर बारिश होगी तो आसानी से ये जो नाइट्रेट फॉर्म होता है ये पानी में घुलनशील होता है, और घुलनशील होने के कारण आसानी से क्या होता है, इसकी लीचिंग हो जाएगी भैया, ये पानी में भूलकर नीचे चले जाएगा, पौधे के जड़ क्षेत्र से नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना कि ऑक्सीकृत जोन में नाइट्रोजन की हानि लीचिंग द्वारा होती है,
इसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं रिड्यूस्ड जोन की। रिड्यूस्ड जोन कहाँ पर विकसित होगा? जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी या अनुपस्थित हो जाएगा ऑक्सीजन, ऐसे क्षेत्र में विकसित होता है रिड्यूस्ड जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जैविक क्रियाएँ होती है वो सभी अपचयन की क्रियाएँ होती है, रिडक्शन की क्रियाएँ होती है, और रिडक्शन के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन के रिडक्शन से कौन सा रूप बनेगा नाइट्रोजन का? अमोनिकल फॉर्म बनेगा भैया, NH4+। और ये जो है ये मृदा कणों पर क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और जिसके कारण ये पानी में घुलकर इसकी लीचिंग नहीं होगी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन की हानि को कम किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो धान है, धान के खेत में अगर हम बिना पडलिंग के अगर क्या करें, हम धान की बुआई कर दें, तो ऐसी कंडीशन में धान के खेत में रिड्यूस ऑक्सीडाइज्ड जोन रहेगा, और ऑक्सीडाइज्ड जोन के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन की हानि जो है वो आपका नाइट्रेट के फॉर्म में होगी, लीचिंग के रूप में। लेकिन हम पडलिंग इसलिए करते हैं धान में क्योंकि धान जो है वो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेता है, ठीक है, और अमोनिकल फॉर्म में लेने के लिए हमको जो भी हम नाइट्रोजन डालेंगे वो लास्ट में किस में कन्वर्ट होना चाहिए? अमोनिकल रूप में। तो यहाँ पर हमने जो रिड्यूस्ड जोन तैयार किया वो किसके द्वारा तैयार किया? पडलिंग के द्वारा। हमने धान के खेत में पानी भर दिया और पानी से कीचड़ बना दिया, और कीचड़ बनाने से ऑक्सीजन बिल्कुल गायब हो गई, तो आप पूरा क्षेत्र क्या हो गया? रिड्यूस्ड जोन हो गया। तो यहाँ पर जो भी नाइट्रोजन अलग अलग रूप में रहेगी वो आखिरी में किस में बदल जाएगी? अमोनिकल फॉर्म में बदल जाएगी, या फिर आप अमोनिकल उर्वरक डालोगे तो वो उसी रूप में नाइट्रोजन अमोनिकल रूप में मृदा कणों पर फिक्स हो जाएगी, और लीचिंग द्वारा अमोनिकल फॉर्म की हानि नहीं होती। तो क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से क्षेत्र में या जोन में नाइट्रोजन की हानि को रोका जा सकता है, तो वो हम रोक सकते हैं रिड्यूस्ड जोन, या रिड्यूस्ड जोन डेवलप करके हम क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन की हानि को रोक सकते हैं। तो जल भराव या कीचड़ वाली मृदा में रिड्यूस्ड जोन बनता है, इसमें अपचयन से क्या बनेगा? तो नाइट्रोजन के अपचयन से नाइट्रोजन का अमोनिकल रूप बनता है जो कि क्ले कणों पर क्या हो जाता है? अधिशोषित हो जाता है, जिसके कारण अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की हानि नहीं होती है। रिड्यूस्ड जोन में नाइट्रोजन की हानि बहुत कम या नहीं होती है, तो बिल्कुल आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। अब हम देखते हैं अलग अलग जो तत्व हैं वो अलग अलग क्षेत्र में किस रूप में उपलब्ध होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कार्बन, कार्बन जो है वो ऑक्सीकृत क्षेत्र या ऑक्सीडाइज्ड जोन में कौन से फॉर्म में उपलब्ध होगा? तो ऑक्सीकृत रूप में या ऑक्सीकृत क्षेत्र में जो कार्बन आपका रहेगा वो, अब चूंकि ऑक्सीकृत जोन में पर्याप्त हवा है भैया मृदा में, तो किस रूप में मौजूद रहेगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद रहेगा, और दूसरा मृदा में पड़ा हुआ जो भी कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो पुराने पेड़ पौधों के जो सड़े गले अवशेष हैं जिनको हम बोलते हैं सेलुलोज, या फिर हेमी सेलुलोज बोलते हैं, पेक्टीन है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के जो भी रूप हैं उनमें अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी कार्बन आपको जमीन में मिलेगा। लेकिन यही अगर हम किस में आ जाए, अगर रिड्यूस्ड जोन आ जाए, मतलब ऐसी मृदा जहाँ पर पानी भरा रहता है, मृदा में हवा अब्सेंट है, तो यहाँ पर रिडक्शन की क्रिया होगी, और ये जो भी आपके रूप थे इनका रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, और अपचयन होने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी मीथेन में, ठीक है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो धान का खेत होता है, धान के खेत में रिड्यूस्ड जोन डेवलप किया जाता है। कौन सा जोन? रिड्यूस्ड जोन। और रिड्यूस्ड जोन डेवलप करने से जो
मीथेन गैस है वो बाहर निकलती है बुलबुलों के रूप में। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि धान के खेत से या जल भराव की स्थिति में या फिर वाटर लॉक्ड सॉइल अगर बोल दे या मैग्रोव फॉरेस्ट बोल दे जो दलदली वन है वहाँ पर आप देखोगे तो दलदल से बुलबुलों के रूप में लगातार ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट के अपचयन होने से कौन सी गैस बनेगी, लगातार मीथेन गैस बनेगी और ये मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में निकलेगी। तो कई बार पूछता है कि धान के खेत में बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस निकलती है, तो वो मीथेन गैस निकलती है। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो हमको पता है भैया जो ऑक्सीक्रस जोन है यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन से नाइट्रेट मिलेगा आपको, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिलेगा। और जो अपचयी क्षेत्र है यहाँ पर मुख्य रूप से आपका जो नाइट्रोजन मिलेगा वो अमोनिकल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, किस फॉर्म में, अमोनिकल फॉर्म में मिलेगा। और जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर रिड्यूस्ड जोन आपने विकसित किया है वहाँ पर एनएरोबिक बैक्टीरिया मौजूद हैं, कौन से, जैसे स्यूडोमोनोस है, ठीक है, बैसिलस है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, किसका, डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन में जो अनॉक्सी जीवी जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे स्यूडोमोनोस बैसिलस ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ये नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो कई बार आपको पूछा जाता है कि जो जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी भरा रहता है ऐसे क्षेत्र में नाइट्रोजन की हानि कौन सी क्रिया से होती है, तो वो होती है डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया से, ठीक है, जिसमें जो अमोनिकल फॉर्म है नाइट्रेट फॉर्म है ये अनॉक्सी जीवी जो सूक्ष्म जीव है खास करके स्यूडोमोनोस बैसिलस ये और क्लास्ट्रीडियम ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट को और अमोनिकल फॉर्म को नाइट्रोजन गैस के रूप में बदलकर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। फिर आता है एस, सल्फर, तो ऑक्सीकृत जोन में तो ये सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा SO4 2-, और अपचयी जोन या जो रिड्यूस्ड जोन है यहाँ पर आपको ये जो सल्फर मिलेगा ये हाइड्रोजन सल्फेट के फॉर्म में या फिर मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में या फिर ये मिलेगा सल्फाइट के रूप में, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म में ये उपलब्ध हो सकता है। फिर आयरन की बात करें तो आयरन जो है आपको ऑक्सीकृत जोन में मिलेगा आयरन का ऑक्सीकृत रूप। तो ऑक्सीकृत रूप क्या होता है भैया, फेरिक होता है Fe3+। और अपचयित क्षेत्र में ये आपको जो मिलेगा आयरन ये उसके रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा, मतलब उसका अपचयित रूप मिलेगा। तो अपचयन होने के बाद ये फेरिक जो है ये किस में बदल जाता है, फेरस में, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया अधिकांश जो पौधे होते हैं ऐसे पोषक तत्व जो दो अलग अलग रूपों में मिलते हैं उसमें से पौधे जैसे कॉपर है आयरन है मैग्नीज है इनको अधिकतर ये जमीन के अंदर इनके दो रूप मिलते हैं, एक ऑक्सीकृत रूप भी मिलता है एक अपचयित रूप भी मिलता है। तो अधिकतर जो दो रूप में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उनको पौधे की जड़ें मुख्य रूप से अपचयित रूप में ही अधिक मात्रा में अवशोषित करती है, ठीक है। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं ये अपचयित रूप में ही पौधे को सबसे ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो ये आयरन जो है वो फेरस के फॉर्म में रहेगा रिड्यूस्ड जोन में। ऐसे ही अगर हम बात करें मैग्नीज की तो मैग्नीज Mn3+ ये मैग्निक फॉर्म है ऑक्सीकृत फॉर्म है और इसका जो रिड्यूस्ड फॉर्म होता है वो होता है मैग्नस Mn2+, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो दो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र जो मृदा में विकसित होते हैं उसमें जो जल भराव की स्थिति वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ कीचड़ बनाया जाता है या कीचड़ रहता है या दलदल होता है
ऐसे क्षेत्र में अपचयित क्षेत्र विकसित होता है और सामान्य फसलें जिनमें हम जल भराव नहीं उत्पन्न होने देते, प्रॉपर जल निकास करते हैं, मृदा में सही तरीके से जो प्लोइंग प्रोसेस है उसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि मृदा में ऑक्सीकृत क्षेत्र उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के क्षेत्र मृदा में पाए जाते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हम पढ़ेंगे भारत की मृदाएं, अलग अलग प्रकार की जो मृदाएं भारत में पाई जाती है उनको हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलग अलग भारत की मृदाओं को, मुख्य रूप से 8 अलग अलग वर्गों के अंदर बांटा है। ठीक है, इसमें से जो मेजर सॉइल्स होती है वो 3 या 4 टाइप की होती है, बाकी जो है वो माइनर सॉइल्स होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो 8 वर्ग की मृदाएं हैं वो बनती कैसी है, उनमें कौन से खनिज होते हैं, वो कौन सी फसलों के लिए अच्छी होती है और उस मृदा की कुछ स्पेशल जो गुण होते हैं वो गुण कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल आप भैया मैप में देखते जाना, ठीक है, ये इस कलर का, चॉकलेटी कलर का आपको जहाँ पर भी कलर दिख रहा है वहाँ पर मोस्टली फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। तो फॉरेस्ट सॉइल जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और वन ज़्यादा मात्रा में घने वन है, तो अगर हम देखें तो यह हमारा उत्तर भारत का पूरा जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो एरिया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको कौन सा मृदा मिल रही है, फॉरेस्ट सॉइल। क्यों? क्योंकि आप अगर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में जाओगे लद्दाख, तो ऊपर आप देखोगे कि पूरे ही क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है और जंगल वाला क्षेत्र है। साथ ही साथ इधर आप अगर ये सिक्किम साइड देखोगे, ठीक है, ये असम वाला एरिया देखोगे, तो आप देखोगे कि ये पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको जंगल वाली मृदा मिलती है जिसको फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। तो ये तो फॉरेस्ट सॉइल है, तो ये आपको उत्तर भारत और पूर्वी भारत में मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। फिर दूसरी अगर हम देखें तो एरिड सॉइल, एरिड सॉइल मतलब शुष्क मृदा। तो एरिड सॉइल का आप अगर ये कलर देखो तो ये इस टाइप से भैया ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये अगर देखो तो ये भारत में मुख्य रूप से, वैसे ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह नहीं मिलती, फॉरेस्ट सॉइल ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगी, मिलती है बहुत कम, पर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर अधिकतर जो मृदा है वो फॉरेस्ट सॉइल है। ऐसे ही एरिड सॉइल शुष्क मृदा की बात करें तो शुष्क मृदा आपको मिलेगी मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान है, ये पश्चिमी राजस्थान में आपको जो है वो शुष्क मृदाएं मिलती है, ये एरिड सॉइल्स मिलती है। फिर हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, काली मृदा। तो काली मृदा देखो भैया, मध्य भारत से लगा के दक्षिण भारत, ये मध्य भारत, मध्य प्रदेश, फिर अगर हम बात करें तो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाला एरिया भी ज्वाइंट है, बिहार वाला भी है, ठीक है, और नीचे अगर हम जाए तो थोड़ा आंध्र वाला एरिया भी है। क्यों? क्योंकि हमारे दक्षिण में जो है वो बेसाल्ट की चट्टाने पाई जाती है और बेसाल्ट की चट्टानों से जो मिट्टी बनती है वो काली मृदा बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें, अच्छा ये जो ब्लैक सॉइल है ये इधर तो है, साथ ही साथ इसका कुछ एरिया आपको गुजरात साइड भी देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं जो लेटराइट सॉइल जो कि अत्यधिक निचालन से विकसित होती है, तो अत्यधिक निचालन से बनने वाली जो लेटराइट सॉइल है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी कर्नाटक और केरल में, ये वाला पट्टी, ये थोड़ा सा कर्नाटक और ये इधर पूरा का पूरा केरल, ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा आपको जो है ये इधर ऊपर मध्य भारत में भी देखने को मिलेगी, बट ये मुख्य रूप से पाई जाती कर्नाटक और केरल में, थोड़ा सा अगर आप देखो तो इधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगी, बट मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में लेटराइट मृदाएं पाई जाती जो अत्यधिक निचालन से बनती है। फिर अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल मतलब ऐसी मृदा जो नदी द्वारा मिट्टी बहाकर लाकर जो जमा की जाती है उसके द्वारा विकसित
हुई है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नदियाँ हमको कहाँ पर मिलती है, उत्तर भारत में मिलती है, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में ही अगर आप देखो तो भैया सबसे ज़्यादा आपको जलोढ़ मृदाएँ देखने को मिलेगी। तो जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो ये जो येलो कलर का आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है, कौन से कलर का, येलो कलर का, देखो आप सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मृदाएँ ही है। यहाँ से ये देखो इधर से स्टार्ट हो रही है ये घूमती हुई और ये नीचे तक गई, फिर इधर से ये, इस प्रकार अगर हम देखें तो ये क्या है, ये जलोढ़ मृदा है, बहुत बड़ा एरिया है भैया। ये देखो ये इधर घूम के, ये सबसे ज़्यादा ये मिलती है कहाँ पर, उत्तर भारत में, ये देखो। तो कितना बड़ा एरिया है भैया जलोढ़ मृदा का, ये देखो पूरा का पूरा बेल्ट। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मृदा है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदाएँ है, मतलब नदियों द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाकर जो जमा की गई उसी मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मृदा। और भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर आपको जलोढ़ मृदाएँ मिलती है, ठीक है। और जलोढ़ मृदाएँ किस में आती है, ये आती है इंसेप्टी सोल ऑर्डर में। और यही कारण है कि हम चाहो तो ये बोल सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल है या फिर कौन से ऑर्डर की सॉइल है, तो इंसेप्टी सॉल, इंसेप्टी सॉल ऑर्डर की मृदाएं सबसे ज़्यादा भारत में है, क्योंकि जलोढ़ मृदाएं किस में आती है, इंसेप्टी सॉल ऑर्डर में आती है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें विश्व में सबसे अधिक जो मृदाएं वो कौन से वर्ग की है, वो भी जलोढ़ मृदाएं हैं, बट वो कौन से वर्ग की है, तो वो एंटी सॉल है, कौन सी है, एंटी सॉल। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे तो जलोढ़ मृदा है अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो मृदा आती है वो होती है रेड एंड येलो, मतलब लाल और पीली मृदा दोनों मिक्स्ड अगर हम बोले तब, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर आपने अकेला लाल मृदा बोला तो फिर लाल मृदा तीसरे नंबर पे आती है, ब्लैक सॉइल दूसरे पे आती है। लेकिन अगर हमने इकट्ठा बोल दिया कि लाल और पीली मृदा, तो लाल और पीली मृदा जब हम बोलेंगे तो लाल और पीली मृदा का एरिया जो है वो काली मृदा की अपेक्षा ज़्यादा है, ठीक है, मिलाकर। तो अगर लाल मृदा अगर हम देखें तो खासकर हमको दक्षिण भारत में ज़्यादा मिलती भी है। दक्षिण भारत में देखो जिधर देखो उधर लाल और पीली मृदा ही आपको देखने को मिलती है। थोड़ा इसका भाग जो है आपको उत्तर भारत, पूर्वी भारत में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये अलग अलग प्रकार की मृदाएं हैं। कुछ जो पीट एंड मक टाइप की मृदाएं होती है, कीचड़ वाली मृदाएं जिसको हम दलदली मृदा बोलते हैं, वो आपको जो है वो इधर मिलती है, आपका जो डेल्टा बनता है ये यहाँ पर, ये जो डेल्टा बनता है आपका बंगाल की खाड़ी में जहाँ नर्मदा जी जाकर समुद्र से मिलती है, वहाँ पर आपको सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा डेल्टा है, वहाँ पर आपको पीट और मक मृदाएँ मिलती है जिनको हम मैग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, यहाँ पर आपको दलदली मृदाएँ मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें से एक एक प्रकार की मृदाएँ। तो टोटल अगर हम देखें तो भारत की जो मृदाएँ हैं इनको अलग अलग प्रकार के 8 समूहों में बांटा है। कितने समूह में बटा भैया, 8 समूह में। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, एलिवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, हमने देखा अभी, ठीक है। इसको कौन से ऑर्डर में रखा है, इनसेप्टी सॉल ऑर्डर, कौन सा, इनसेप्टी सॉल ऑर्डर में इसको रखा गया है। फिर रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदाएँ, इनको ओमनीबस ग्रुप भी की मृदाएँ भी कहा जाता है भैया। साथ ही साथ फिर अगला आता है ब्लैक सॉइल, फिर लेटराइट सॉइल, पीट एंड मक सॉइल जिनको मार्सी सॉइल भी कहा जाता है, फिर एरिड और डेजर्ट सॉइल जो शुष्क मृदाएँ होती है, फिर फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल्स, आप इनको फॉरेस्ट सॉइल बोल दो, हिली सॉइल या पहाड़ी मृदाएँ बोल दो, और लास्ट आता है सेलाइन एल्केलाइन सॉइल, ठीक है। तो इस प्रकार 8 अलग अलग वर्गों के अंदर जो है वो भारत की मृदाओं को बांटा है। अब हम बात करते हैं
सबसे पहले बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा जिसको कछारी मृदा कहा जाता है, इसको कई जगहों पे जो है वो कछार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा जो है वो क्षार लेकर आती है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधों के अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष, रेत, फिर अगर हम देखें कंकड़ पत्थर, इन सभी को लाकर किसी स्थान पर जमा करती है। तब हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं जल ओढ़ मृदा। जल मतलब पानी, ओढ़ मतलब ओढ़ने से, पानी के ओढ़ने से जो मिट्टी बनती है उसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है। साथ ही साथ इसको कछार मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो कि मैदानी क्षेत्रों में जमा की जाती है, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं भैया, पहाड़ों की ओर से नदियां आती है और मैदानी क्षेत्रों में जहां नदी की गति कम हो जाती है वहां धीरे धीरे ये जो पहाड़ों से मिट्टी लाकर नदी लेकर आई थी नदी, उसको छोटे छोटे स्थानों पर क्या करती है, ये जमा करना स्टार्ट करती है। ठीक है, फिर ये मुख्य रूप से आपको मिलती है सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ से सिंधु और गंगा नदी का पूरा जो मैदानी भाग है, जहाँ से सिंधु और गंगा नदी जी निकल के जाती है, तो उसके आसपास का पूरा जो है वो समतल जो क्षेत्र है उसको मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। इसी को हम बोलते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन। ठीक है, तो इस क्षेत्र की मृदा मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये जलोढ़ मृदा है। क्यों? क्योंकि ये प्राचीन नदियाँ हैं भैया, सिंधु गंगा भारत की बड़ी नदियां हैं अगर हम देखें, और पहाड़ी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो सिंधु सभ्यता का तो आपने नाम भी सुना होगा कि भैया प्राचीन समय में लोगों ने जो बसना शुरू किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही शुरू किया था। इस सिंधु घाटी सभ्यता को ही इंडस वैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सिंधु गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, बड़े बड़े मैदान हैं भैया यहाँ पर, इसके आसपास जो है ये कई सालों से ये दोनों नदियाँ बह रही है और बड़े स्तर पर बह रही है। ठीक है, तो ये अपने साथ जो है कई सालों से मिट्टी लाती है और अपने किनारों पर जमा कर रही है। इस प्रकार जो है ये मैदानी भाग जो बने हुए हैं इसमें कौन सी मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा मिलती है। अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा जो है वो कौन से ऑर्डर में आती है? तो दोनों में आती है, इंसेप्टिसॉल में भी आती है और एंटीसॉल में भी आती है। तो अगर हम बात करें कि भैया ये दोनों ऑर्डर में आती है, तो सीधी सी बात है भैया, जो इंसेप्टिसॉल है ये कौन सी मृदाएँ होती है? नई विकसित मृदा या नई बनी हुई जलोढ़ मृदा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। नई जो जलोढ़ मृदा अभी अभी जमी हुई है उसको खादर कहा जाता है, और दूसरी जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जिसको कहा जाता है बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? जलोढ़ मृदा है। जो अभी अभी जमा हुई है, मतलब कुछ ही वर्षों पहले जिसका अस्तित्व आया है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? इंसेप्टिसोल, खादर कहा जाता है। और जो काफी समय पहले से जलोढ़ मृदा जो जमी हुई है और जिसमें धीरे धीरे परतों का विकास स्टार्ट हो गया है, मतलब अलग अलग जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें अलग अलग होरिजन्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं, बनने स्टार्ट हो गए हैं, उनको कहा जाता है बांगर। और जिसमें बिल्कुल किसी प्रकार का नई जलोढ़ मृदा, जिसमें किसी प्रकार का कोई होरिजन डेवलप नहीं हुआ है या नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको हम ए जोनल सॉइल बोलते हैं, सस्तर विहीन मृदा बोलते हैं, ऐसी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही ऑर्डर में आती है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, और इसमें अगर हम बात करें तो क्ले कणों की अधिकता होती है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जिसको हमने क्या बोला है? बांगर। तो बांगर जो जलोढ़ मृदा है पुरानी है, पुरानी होने के कारण भैया इसमें कई समय से जो है रासायनिक या केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय चल रहा है, जिसके कारण जो है कंकड़ पत्थर जो है वो टूट कर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं? क्ले के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये आपकी जो होती है ये बांगर होती है फिर, और इसमें क्ले पार्टिकल ज़्यादा हैं। नई जलोढ़ मृदा जो है उसको कहा जाता है खादर। क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है,
और नई जलोढ़ मृदा में अभी अभी भैया नई विकसित हुई है, तो इसमें जो केमिकल वेदरिंग है वो अब स्टार्ट हुई है। इसका मतलब सीधी सी बात है, इसमें क्या है, इसमें बालू या सैंड के पार्टिकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आप ध्यान रखना। अब हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक जो जलोढ़ मृदाएं मिलती है वो कौन सी मृदा है। तो भारत में सबसे अधिक जो है वो जलोढ़ मृदा है, एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। कितनी है, 143 मिलियन हेक्टेयर। अगर हम बात करें भैया भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर, ये है टोटल जियोग्राफिकल एरिया। इसमें से जो है 143 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है वो अकेली क्या है, वो जलोढ़ मृदा है। मतलब टोटल जो एरिया है भारत का उसका लगभग 43% जो सॉइल है वो अकेली जलोढ़ मृदा ही कवर करती है। ठीक है, तो टोटल इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 43% जो है वो जलोढ़ मृदा कवर करती है। कहीं कहीं पर आप इसको अगर देखो तो 145 मिलियन हेक्टेयर भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो इस टाइप के जो डाटा होते हैं वो थोड़े से वेरिएशन में चलते हैं। ठीक, तो कुछ बुक्स 143 मिलियन हेक्टेयर देती है, कुछ 145 मिलियन हेक्टेयर देती है, कहीं पर आप 144 देखा हुआ मिलोगे और कहीं पर जो है 140 मिलियन हेक्टेयर भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान रखना। फिर मध्य प्रदेश में अगर हम जलोढ़ मृदा की बात करें तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा होती तो है बट कम एरिया में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, वो है ब्लैक सॉइल या काली मृदा। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की जब बात करें तो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदाएँ होती है लेकिन कम क्षेत्र पर मौजूद है। कितना, तो मध्य प्रदेश का टोटल जो एरिया है उसका लगभग 3% पर ही जलोढ़ मृदा पाई जाती है। खास करके हमारा जो उत्तर मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश का उत्तर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको जलोढ़ मृदाएँ मिलती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदाएँ पाई जाती है उत्तर भारत में। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदाएँ हैं, क्यों, क्योंकि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो सब उत्तर भारत में ही मौजूद है और यही कारण है कि उत्तर भारत में जलोढ़ मृदाएँ सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश है आपका, फिर बिहार है आपका, उत्तराखंड है, फिर अगर हम बात करें तो जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जलोढ़ मृदाएँ आपको अधिक मिलेगी। फिर हम बात करते हैं जलोढ़ मृदाएँ खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्यों, क्योंकि भैया ये पहाड़ी क्षेत्र से बहकर आती है तो अपने साथ बहुत सारे खनिज पोषक तत्वों को लेकर आती है और यही कारण है कि ये खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और यही कारण है कि आपने देखा है कि उत्तर भारत की जो मृदाएँ होती है उनकी जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। उसमें जैसे जनरली अगर देखें तो गेहूँ है, कपास है, सरसों है, फिर आपका गन्ना है, इनकी खेती अधिक स्तर पर होती है। जलोढ़ मृदाएँ जो होती है वो ए जोनल मृदाएँ होती है, मतलब सस्तर विहीन मृदाएँ होती है। जलोढ़ मृदाओं में नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। देखो नाइट्रोजन की भी कमी होती है साथ ही साथ ह्यूमस की। अब ह्यूमस अगर कम है तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन की मात्रा भी कम रहेगी। ठीक है, और पोटाश की अगर बात करें तो पोटाश की इसमें अधिकता होती है। भैया जलोढ़ मृदा जो होती है इसमें हम बोल सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ मतलब ह्यूमस कम है, नाइट्रोजन भी कम है। ठीक है, साथ ही साथ पोटाश जो होता है उसकी इसमें अधिकता होती है। कितना होता है पोटाश, लगभग 0.1 से 0.35% होता है। फिर हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमस, ये कितना होता है। तो वैसे तो हमने देखा अभी एक सामान्य मृदा में हमने स्टार्टिंग में देखा था, क्या देखा था कि मृदा के चार मुख्य कंपोनेंट है, एक खनिज 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%, फिर मृदा जल 25 और मृदा वायु भी 25%। बट हम जब बात करते हैं किसकी, जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस मतलब कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि
जो जलोढ़ मृदाएं हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो होता है लेस देन 0.5%, ठीक है, मतलब 0.5% से कम होता है। वैसे अगर हम रेंज देखें तो 0.19 से लगा के 0.573% तक हो सकता है, बट एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज जो होता है ये होता है 0.38%, कितना होता है 0.38% जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब हमने कई बार पढ़ा है, जब ऑर्गेनिक मैटर पढ़ा है तो वहाँ पर भी पढ़ा है कि भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो होती है वो 0.5% से कम होती है। तो बिल्कुल देखो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदाएँ, जलोढ़ मृदाएँ, और जलोढ़ मृदा में जो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है, लगभग 43% एरिया को कवर कर रही है, तो सीधी सी बात है जब भी हम भारतीय मृदा की बात करेंगे तो उसमें प्राथमिकता हम जलोढ़ मृदा को ही देते हैं। तो जलोढ़ मृदा में चूंकि कार्बनिक पदार्थ जो है वो बहुत कम है, 0.38%, जिसको हम लेस देन 0.5% भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी कमी होती है। जलोढ़ मृदा में गेहूँ, चना, सरसों, मक्का, अलसी, गन्ना और सब्जियाँ, इनकी खेती होती है। जनरली आपने देखा है भैया उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा में गन्ना बहुत होता है, गेहूँ बहुत होता है, चना, सरसों, मक्का, अलसी, मसूर, ठीक है, साथ ही साथ सब्जियों की खेती भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नहीं है इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस कम है, बाकी तो ये उपयुक्त मृदाएँ हैं, मतलब फसलों के लिए बाकी जो पोषक तत्व चाहिए वो सभी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये होती है हमारी जलोढ़ मृदाएं। अब दूसरी जो मृदाएं आती है जिनको कहा जाता है लाल और पीली मृदाएं, रेड एंड येलो सॉइल। अगर हम अकेले लाल मृदा की बात करें तो उसका एरिया ब्लैक सॉइल के बाद में आता है, बट जब हम लाल और पीली मृदाओं की इकट्ठी बात करें तो लाल और पीली मृदाएं, येलो, रेड एंड येलो सॉइल की जब बात करें, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से हाइड्रेशन की प्रोसेस से ही बनती है, जल योजन से बनती है। लाल हिमेटाइट से पीला लिमोनाइट बनना और पीले लिमोनाइट से लाल हिमेटाइट बनना, मतलब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। और लाल पीली मृदाओं को ओमनीबस ग्रुप में रखा गया है, ये एक ग्रुप है, आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखो कि लाल और पीली मृदाओं को ओमनीबस ग्रुप में रखा गया है। लाल मृदा का निर्माण जो होता है वो एल्फीसोल गण में होता है, कौन से? एल्फीसोल। अब एल्फीसोल ऑर्डर जो आता है ये कौन सा आता है? तो सीधी सी बात है भैया, एल्फीसोल मतलब खनिज वाली मृदाएं, इसमें खनिज की मात्रा आपको ज़्यादा मिलती है। लाल मृदा को हम अगर बोले तो गार्डन सॉइल्स कहा जाता है, इनको गार्डन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है भैया, क्यों? क्योंकि इनमें चिपचिपापन कम होता है और साथ ही साथ अगर देखें तो इसमें खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है, पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसीलिए इसको हम गार्डन्स में भी यूज़ करते हैं, तो इनको गार्डन सॉइल्स भी कहा जाता है, साथ ही साथ अर्ली सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है, और इनको टेरा रोजा सॉइल भी कहा जाता है। टेरा रोजा सॉइल, टेरा का संबंध मंगल ग्रह से है भैया, मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट में खेती करना टेरा फॉर्मिंग कहलाती है, सीधी सी बात है, तो इसको टेरा रोजा सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी भी लाल है, ठीक है, और इस मृदा को भी हम उसी से अगर कंपेयर करें तो लाल पीली मृदा को टेरा रोजा सॉइल भी कहा जाता है। लाल मृदा मुख्यतः अगर हम देखें तो मुख्य रूप से, ऐसा नहीं कि बाकी भारत में नहीं मिलती, मोस्टली अगर हम देखें तो दक्षिण भारत, यह जो साउथ इंडिया होता है, साउथ इंडिया का जो तमिलनाडु और कर्नाटक है, यहाँ पर आपको जो है लाल पीली मृदाएं अधिक देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो टोटल इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका लगभग 18.5%, मतलब 18.5% जो मृदाएँ होती है वो कौन सी मृदाएं हैं? वो आपकी लाल और पीली मृदाएं होती है। इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कितनी? 87.5 मिलियन हेक्टेयर।
फिर लाल मृदा में केओलिनाइट खनिज की प्रधानता होती है। अब देखो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स आपने देखे होंगे, खनिज, ठीक है। तो द्वितीयक खनिज की जब हम बात करते हैं तो उसमें केओलिनाइट है, वर्मिकुलाइट है, मांटमोरिनोलाइट है, जिप्सम है, ऐसे कई प्रकार के खनिज होते हैं। तो अलग 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 प्रकार की जो मृदाएं होती है इनको बनाने के लिए कोई ना कोई खनिज उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर जो लाल मृदाएं बनती है, इन लाल मृदाओं में सबसे ज़्यादा होता है केओलिनाइट खनिज। और केओलिनाइट खनिज जो है वो मृदा में फॉस्फोरस के स्थिरीकरण को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जो फॉस्फोरस होता है इसको फिक्स करने का काम कौन करता है? केओलिनाइट मिनरल करता है। मतलब केओलिनाइट मिनरल की उपस्थिति में मृदा में फॉस्फोरस का जो फिक्सेशन है, जो जिस प्रोसेस से फॉस्फोरस का फिक्सेशन होता है वो प्रोसेस बढ़ जाती है और इन मृदाओं में फॉस्फोरस की उपलब्धता भी आपको ज़्यादा मिलेगी। लाल मृदाओं का जो लाल रंग होता है ये एक स्पेशल टाइप का जो मिनरल होता है जिसको कहा जाता है हीमेटाइट। इस हीमेटाइट जिसको कि अगर हम बोलें तो फेरिक ऑक्साइड के नाम से भी इसको जानते हैं। तो लाल मृदाओं का जो लाल रंग होता है वो हीमेटाइट या जिसको फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, इस खनिज की अधिकता के कारण होता है। ये हीमेटाइट जो होता है ये एक आयरन का क्या होता है? खनिज होता है, ठीक है। अब इसमें ही आपने यहाँ पर देखा कि ये जो रेड से येलो बनना और येलो से रेड बनना, ये कौन सी प्रोसेस से बनता है? ये बनता है हाइड्रेशन की प्रोसेस से। मतलब ये जो हीमेटाइट होता है, इस हीमेटाइट के लगातार हाइड्रेशन होने से क्या बनता है? येलो सॉइल बनती है। मतलब मांट हीमेटाइट से बनता है लिमोनाइट। और वापिस जब डिहाइड्रेशन होता है, कौन सा प्रोसेस? डिहाइड्रेशन होता है, जल वियोजन होता है, तब इस प्रोसेस में वापिस जो पीला लिमोनाइट होता है उससे वापस लाल हीमेटाइट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये लाल और पीली मृदाएं एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो ये दूसरे टाइप की मृदाएं होती है। लाल मृदाओं में अगर हम देखें तो जो आयरन और मैग्नीज की अधिकता होती है, लोह तत्व अधिक होता है, क्योंकि हमने देखा अभी हीमेटाइट, तो हीमेटाइट किसका खनिज है भैया? आयरन का। साथ ही साथ मैग्नीज की अधिकता भी इसमें होती है। और उत्तर भारत की अगर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहाँ किसी भी प्रकार की लाल मृदाएं आपको नहीं मिलेगी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से प्रकार की मृदाएं जो है वो उत्तर भारत में नहीं पाई जाती, तो वो लाल मृदाएं होती है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती, नहीं का मतलब होता है बहुत कम होती है, माइनर लेवल पे होती है, ठीक है। तो इनको जनरली जो है वो नहीं माना जाता। नेक्स्ट जो मृदा आती है उसको कहा जाता है काली मृदा या ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।